दिखेंगे वो है ना क्रोम वाले। हाँ एक एक करके बीच में हमें लगा था कि हम अंदर सेटअप करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि स्टोर बात चाहते हैं कि बाहर हो, कि हम बाहर आए तो और अच्छा लगे, तो फाइनल ये डिसाइड हुआ है कि हम बाहर ही कर रहे हैं। सो सारी तैयारी हो गई है, मैं भी हो गई हूँ रेडी, नीचे सेटअप भी रेडी है, मम्मी को उनके गिफ्ट भी मिल गए हैं। ये आ गई हमारी बर्थडे गर्ल अच्छे से रेडी होके, मस्त लग रहा है, अच्छा लगा yeah. हो गई है अगले दिन की सुबह, यानी आज है मम्मी का बर्थडे और कल। कई लोग बहुत बार ये पूछते हैं, इनफैक्ट मैंने पहले भी एक बार ये बताया, पर मैंने सोचा मैं आज फिर बता देती हूँ कि यस मेरे मम्मी पापा जो हैं वो एक साथ नहीं हैं, दे आर सेपरेटेड, वो काफ़ी सालों से एक साथ नहीं रहते हैं। मुझे ये लगता है कि एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी आई एम हैप्पी। कंपैटिबिलिटी इश्यूज हर किसी के हो सकते हैं, होते भी हैं, और मम्मी पापा का भी वही केस है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेरे लिए वो दोनों हमेशा हैं, खड़े रहते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है वो दोनों डेफिनेटली साथ में रहते हैं। लाइक मेरी मैरिज में वो लोग थे, उस वक्त भी वो दोनों अपने आपस के डिफरेंसेस पूरी तरह से भुला के मेरी मैरिज में एक साथ मेरे लिए शामिल थे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं उन मम्मी पापा दोनों को उतना ही प्यार करती हूँ, आज मैं इस दुनिया में हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। यू नो इट ऑल एंड्स डाउन टू देयर हैप्पीनेस एंड देयर कम्फर्ट, बिकॉज इट्स देयर लाइफ, और हर किसी को अपनी लाइफ में खुश रहने का पूरा हक है। सो ये सवाल आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से एक बार इसका जवाब दे दूँ। बहुत मजा, ये वाला बर्थडे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, और मेरी फैमिली से जो मैं मिली हूँ ना उसकी मैं खुशी जाहिर नहीं कर सकती। सच में शोएब की फैमिली ने मुझे ऐसा समझा है कि मतलब सच में मैं सास नहीं हूँ या संबंधी जो भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी अपनी हूँ। और बहुत सारे लोगों ने आपको विशेस दी है, क्योंकि शोएब का ब्लॉग गया है, ढेर सारा प्यार दिया है, हमें हमेशा देते हैं, तो उनके लिए कुछ बोल दो। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इसके लिए तो मेरे लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ मैं बहुत बहुत आप लोग की शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया। बस मेरी यही दुआ है कि आप लोग सब हम सबको इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि हम कभी आपको ज़िंदगी भर भूले ही ना।